କିଛି କିଛି ପୁରାଣ ବା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ରାମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ମହାଦେବ ବି ରାମଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସରଜୁ ଘାଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ରାମଲାଲା ଛୋଟ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏହି ସରଜୁ ନଦୀରେ ହିଁ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। କେବଳ ରାମଲାଲା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ତିନି ଭାଇ ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରଜୁ ନଦୀରେ ହିଁ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ସରଜୁ ନଦୀରେ ହିଁ ରାମଲାଲା ବାସ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ସେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାଣରେ ସରଜୁ ନଦୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି, ପୁରାଣ ସରଜୁ ନଦୀ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛି। ତେବେ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଏ ଯେଉଁ ସରୁ ମିଆଁ ହେ, ସରୁ ମହାରାଣୀ ହେ, ଇସକା କ୍ୟା ଇତିହାସ ହେ ଥୋଡ଼ା? ସରଜୁ ଜୀ କା ଇତିହାସ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଚୀନ ହେ। भगवान राम के वंशज राजा रघु के द्वारा लाई गई, वशिष्ठ जी के अथक प्रयास से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान के नेत्रों के द्वारा ये सरजू जल भाव का इसकी कहावत है कि एक बार भगवान भृगु ऋषि को भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान भृगु महर्षि भृगु विष्णु लोक गए और देखा तो भगवान नारायण शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। भगवान भृगु काफी देर तक खड़े रहे और उन्होंने क्रोध में भगवान के सीने पर चरण से प्रहार किया और भगवान के नेत्रों से जो जल धारा बह निकली वही सरजू है। इसीलिए सरजू जी का नाम नेत्रजा, तनुजा, वासिष्ठी, चूंकि सरजू जी कुंवारी हैं इसलिए तनु इनका नाम है। सरजू, नेत्रजा, वासिष्ठी, ये सब सरजू जी के अनेक नाम हैं। इसलिए सरजू जी बहुत प्राचीन हैं और भगवान राम के वंशजों के द्वारा लाई हुई गई हैं और भगवान राम के समय में इस सरजू नदी में भगवान स्नान करते थे, खेलते कूदते थे। कहते हैं सारे तीर्थ अपना पाप धुलने के लिए, तीर्थों का राजा प्रयाग भगवान राम के जन्म के दिन तीर्थ सकल तहां चली आवें, राम जन्म की जब बेला होती है तो सारे तीर्थ शरीर में आके समाहित होते हैं और अपने अपने पाप को धो करके फिर चले जाते हैं। इसलिए सरजू जी का महत्व है। गंगा तो भगवान के चरण से निकली है लेकिन सरजू नेत्र से निकली है, इसलिए सरजू जी का महत्व सबसे ज्यादा है, सारी नदियों से ज्यादा है। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ସରଜୁ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଇତିହାସ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ରାମଙ୍କର ଧନୁରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ସରଜୁ ନଦୀ ଏବଂ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ରାମଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହା ନାଁ ନେତ୍ରଜା ବୋଲି ରଖାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଥୋଡ଼ା ବତାଏ, ସବ୍ ଲୋକ ଆକେ ସରୟୁ ମେ ସ୍ନାନ କରେଙ୍ଗେ, ଦେନ୍ ଉସ୍କେ ବାଦ ସବ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଲ ହୋଗା, ଉସ୍କେ ବାରେ ମେ କ୍ୟା? ଜୋ ଦେଶିଏ ଗଙ୍ଗା का दर्शन, गंगा में स्नान करने का जितना महत्व है, सरयू का दर्शन से उतना ही ज्यादा महत्व है। लिखा है अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन, जा मज्जनते बिनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान राम जी कहते हैं कि सरयू के तट पर रहने वाला व्यक्ति सरयू की कृपा से, भगवान राम की कृपा से भगवान के मोक्ष धाम, परम धाम को ही प्राप्त होता है और सरजू के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का सारा पाप क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। इसलिए सरजू जी की जितना भी महत्व बताया जाए उतने ही कम है। सरजू का महत्व कोई बखान नहीं कर सकता। जिस तरीके से राम न सकहिं राम गुण गाए, जिस तरीके से भगवान अपने राम राम नाम की महिमा को नहीं बता सकते, गुणगान नहीं कर सकते, उसी तरीके से सरजू का गुणगान कोई कर नहीं सकता। सरजू अति प्राचीन है, जितना ही बताया जाए उतना ही कम है। जिसकी इसकी जितने ही गहराई में जाएंगे सरजू का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।